नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की आवाज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? राजीव कुमार जॉनी। राजीव कुमार जॉनी जी हिमाचल प्रदेश से आए हैं, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए हैं और इन्होंने ये लगभग 9 फुट की साइकिल है जिसका इन्होंने खुद निर्माण किया है। और आप कौन कौन से राज्यों से होते हुए आए हैं? सर हम दिल्ली चंडीगढ़ से निकले हैं, चंडीगढ़ से आए फिर दिल्ली हरियाणा से निकल दिल्ली और जयपुर राजस्थान गुजरात इधर से होते हुए आए हैं। वहाँ पर आप किन किन लोगों से मुलाकात की? नहीं, रास्ते में हमने कोई खास लोगों से मुलाकात नहीं की। हमारा जो जर्नी थी ये है चंडीगढ़ टू मुंबई, चंडीगढ़ टू मुंबई, और हमारा मैसेज है साइकिल टू वर्क सेफ इन्वायरमेंट। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चे लोग साइकिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो यही मैसेज लेके हम चले हैं। क्योंकि दिल्ली अभी कुछ दिन पहले दिल्ली 10 दिन के लिए बंद था, बच्चों को छुट्टी थी 10 दिन की, वो इसलिए थी क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। तो अगर आज हम साइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल हमें बच्चों को जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा के फिर चलना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप कुछ समय पहले भी यहाँ के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष संजय निरुपम से आपने मुलाकात की, तो इस तरह आप किन किन नेताओं से अभी तक आप साइकिल यात्रा करते हुए घूमते हुए आप मिल चुके हैं? नहीं, हम गए थे पहले गांधीनगर में, जब हम थे तो गांधीनगर हम गए थे तो, लेकिन सर हमें वहाँ मिले नहीं थे। गांधीनगर में हम गए थे, अपना उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो सर वहाँ नहीं मिले थे। तो अब हम यहाँ आए थे प्रेस क्लब, तो सब सर से मुलाकात मेरी हो गई है। अच्छा, संजय निरुपम जी। हाँ जी, संजय निरुपम जी। रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा? बहुत अच्छा रहा जी, बहुत अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया है। उन्होंने हमें 24 तारीख तक में उन्होंने हमसे पूछा कि आप यहाँ कब तक रहना चाहते हैं, कब तक रहेंगे, तो हमने उनको बताया कि हम 24 तारीख तक मुंबई में हैं। तो संजय जी ने मेरा यहाँ 24 तारीख के रहने का जो है अरेंजमेंट किया है। मुंबई आने का मेरा एक और ड्रीम था, मैं सलमान खान जी से मिलना चाहता था और कपिल शर्मा जी के शो में मेरा अभी 3 दिन पहले शूट हुआ है। कपिल शर्मा जी ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मुझे सलमान खान जी से मिलवाएंगे। तो सलमान खान से आप कब तक मिलोगे? अभी एक्चुअली सलमान खान जी जो है इंडिया में नहीं है, अगर वो 2-4 दिन या 24 तारीख से पहले आ जाते हैं तो कपिल जी मुझे कॉल करके बताएंगे कि वो आगे वो मेरी उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कराएंगे। तो सलमान खान से आप क्यों मिलना चाहते हैं, आपका क्या उद्देश्य है? नहीं, वो मेरे एक हर इंसान का एक कोई ना कोई फेवरेट हीरो होता है। उनके जो गाने हैं वो मुझे बहुत ही, उनकी फिल्में जो हैं वो बहुत ही अच्छी फिल्में बनाते हैं और वो मेरे फेवरेट हीरो हैं। तो क्या सलमान खान से आप मुलाकात करेंगे तो क्या आप सलमान खान को इस सीट पे बैठाएंगे? राइट, मैंने सलमान खान जी को साइकिलिंग करते हुए देखा है। जी न्यूज़ में एक बार ये खबर आई थी जिसमें सलमान खान जी येलो टी शर्ट पहन के साइकिलिंग कर रहे थे, साथ में उनके भाई भी थे और ट्रैफिक काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। तो न्यूज़ वाले उनको कह रहे थे भी सल्लू भाई आप प्लीज़ रोड पर साइकिलिंग मत कीजिए जी, आपको देख के पब्लिक जो है बहुत ट्रैफिक जाम कर देती है। तो वो जब मैंने वीडियो देखा था जी न्यूज़ पे, तो वो देख के मेरे दिल में थी एक तांग कि सलमान खान जी अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उनको एक बार जरूर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरी साइकिल का एक राउंड करें। मतलब आप सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं? यस सर, सर। और किसी कारणवश अगर आप सलमान खान से नहीं मुलाकात कर पाए तो किसी और दूसरे स्टार से मिलना चाहेंगे? नहीं, नंबर फर्स्ट पे जो मेरे फेवरेट हैं सलमान खान जी हैं और मैं उन्हीं से ही मिलना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, सलमान खान के ये बहुत बड़े फ़ैन हैं, ये मुंबई में मिलेंगे तो सिर्फ सलमान खान से ही मिलेंगे। और इनका अरमान है कि ये जो 9 फुट की इनकी साइकिल है इसके सीट के ऊपर ये सलमान खान को बिठाकर साइकिल चलवाना चाहते हैं। तो आप सलमान खान इनको समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते ये तो समय बताएगा, लेकिन ये चंडीगढ़ से इतनी अजीबोगरीब साइकिल, ये देखिए 9 फुट इसकी साइकिल और हाइट कितनी है? 9 फुट मेरा 9 फुट पे आता है। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट 6 फीट है। ये खुद 6 फुट के हैं और लंबाई और चौड़ाई दोनों इनकी 9 फुट की है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को और बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ वो साइकिल का इस्तेमाल कीजिए। आजकल के जो बच्चे हैं युवाएं हैं वो साइकिल का इस्तेमाल नहीं करते, उनको मोटर बाइक या कार चाहिए। देखिए, अपने घर के नज़दीक, हम बड़े सब ये कहते हैं कि घर के नज़दीक के जो काम है वो साइकिल पे किए करेगी, उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी नहीं होगा और उनकी सेहत भी ठीक रहेगी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? +2 तक किया है मेरे फ्रेंड। तो आपको ये साइकिल का ये आपको कहाँ से अनुभव आया या आपने साइकिल चलाने का ये क्या उद्देश्य समझा? शुरू से ही मेरा को कुछ अलग करने का शौक था और वो अलग करते करते ये सब मैं लास्ट 24 ईयर से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, कई साइकिल डिज़ाइन कर चुका हूँ और ये मेरा 2013 मॉडल है। आपको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आपका दर्ज है? मेरा लिम्का बुक, इंडिया बुक और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो चुका है। और आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो लोगो है ये चंडीगढ़ का लोगो है, ओपन हैंड। मैं बाय बार चंडीगढ़ से हूँ इसलिए मैं चंडीगढ़ को और साइकिल को दोनों को ही प्रमोट कर रहा हूँ। आपने ये साइकिल को किस तरह से मॉडिफाइड किया, कैसे बनाया? इसको बनाने में 1.5 साल लगा था और इसका जो फ्रेम अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपको दिखेगा ओपन हैंड थंब, मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो चंडीगढ़ का लोगो है और चंडीगढ़ को और अपने शहर को और अपने आप को मैं प्रमोट, साइकिल को प्रमोट कर रहा हूँ।
तो क्या किसी साइकिल कंपनी वाले के पास आप गए थे कि मतलब कुछ? नहीं, मैं कभी किसी साइकिल कंपनी के पास नहीं गया। साइकिल कंपनी वाले ने आपको कांटेक्ट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी इतनी अजीबोगरीब साइकिल है, नहीं आप... फिल्मों में अगर आपको साइकिल चलाने का मौका मिलेगा एक्टिंग करने का? हाँ, एक दो टीवी सीरियल्स में इंटरव्यूज वगैरह मेरे आ चुके हैं, जैसे ओ माई गॉड में मेरा आया था कृष्ण जी के साथ। अब मेरे को मौका मिला है कपिल शर्मा जी से मिलने का, वो भी मैंने आ गया, टेलीकास्ट हो जाएगा सैटरडे को। और भी एक दो टीवी सीरियल इंटरव्यूज आ चुके हैं मेरे, पर फिल्मों में अभी कोई सीन नहीं आया। जो मेरे ड्रीम है वो टीवी ऐड का भी एक ड्रीम है, कोई टीवी ऐड अगर इस पर करना चाहेगा तो मैं उसमें जरूर इंटरेस्टेड रहूँगा। आप हमारे चैनल के जो रीडर हैं, जो श्रोता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये मैं उनको और पूरे मुंबई को और पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहूँगा कि प्लीज़ सभी लोग साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, साइकिल से ही उनकी हेल्थ जो है बेस्ट रहेगी और पोल्यूशन भी बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।